अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, चाहे एग्री कम्युनिटी हो चाहे नॉन एग्री कम्युनिटी हो, कमाई कहाँ पर मिलेगी ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करेंगे यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं सुबह के मुकाबले और ज़्यादा गिर चुकी हैं। सोने चांदी की कीमतों में अभी और लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। गोल्ड देख रहे हैं इस समय 1.5% की गिरावट के साथ $1912 पर है और सिल्वर 0.25% की गिरावट के साथ $24.60 पर। और सोने और चांदी पर सबसे पहले चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका। जी अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, सबसे पहले सोने चांदी की बात करें तो आज हमने सोने चांदी की कीमतों में नरमी बनते हुए देखी है, आपको क्या लगता है एक अच्छी तेजी के बाद ये जो नरमी बनी है इसके पीछे के कारण क्या है और अब आगे मार्केट कैसी रह सकती है? देखिए अखिलेश जी, यहाँ पर हमने रशिया और यूक्रेन के बीच कुछ पीस टॉक होते हुए देखे जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि क्रूड के भाव भी नीचे आए हैं और जो समझौते की बातचीत है वो रशिया यूक्रेन के बीच चलती हुई दिख रही है। सेंटिमेंट में मार्केट लग रहा थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो उसके चलते हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में कुछ नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। जी ये सर जी देख रहे हैं कच्चा तेल जहाँ पे सुबह के कारोबारी सत्र में गिरावट की ओर था, अब थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी हुई है, आपको क्या लगता है रशिया यूक्रेन के बीच जो वार्तालाप हो रही है सीज फायर के लिए जिससे कि युद्ध रुक जाए, तो इसका कच्चे तेल पर उल्टा असर क्यों पड़ रहा है? देखिए यहाँ पर कल हमने काफी बड़ी गिरावट देखी थी, ऑलमोस्ट 8% की गिरावट देखी थी। उसके बाद एक यहाँ पे मार्केट का कंसोलिडेशन में है, मगर जिस तरीके की बातचीत चल रही है हमें लगता है कि भावों में नरमी ही रहेगी। एक्सपेक्टेड नीचे 7,800 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं, तो क्रूड हमें लगता है कि अभी एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वाली टेरिटरी में यहाँ देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के भावों में आगे भी एक नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। जी यही से अनुजी बेस मेटल्स की बात करें तो चाइना में देख रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना के चलते और चाइना बेस मेटल्स के बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, तो आपको क्या लगता है क्या इसकी वजह से बेस मेटल्स में अभी नरमी देखने को मिल सकती है क्या, और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो बेस मेटल्स की कीमतों को इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए बेस मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ है उससे डिमांड कम हो सकती है। हमें लगता है कि वहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इवन अगर हम देखें तो लॉकडाउन लगने की वजह से गोल्ड सिल्वर के अंदर भी, क्रूड और नेचुरल गैस के अंदर भी हमने डिमांड कम होती हुई देखी, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो सिमिलरली बेस मेटल के अंदर भी थोड़ी डिमांड का असर आ सकता है, भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि मार्केट के अंदर एक नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। बेस मेटल में अगर बात करें कॉपर की, एक्सपेक्टेड है कि कॉपर के भाव नीचे 810-805 रुपए तक के लेवल को दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है जो कि बेस मेटल में देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप टॉपिक्स किन कम्युनिटीज का देना चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए एक तो क्रूड ऑयल ही है जिसमें हम बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 7,900-7,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हमें लगता है कि आज के पर्टिकुलर डे के लिए गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे गोल्ड एक्सपेक्टेड है करीबन 51,000 से लेकर 50,800 तक के लेवल दिखा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की। जानेंगे अनुज जी से कि एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ सकता है, कहाँ पर कमाई के मौके हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे M6 कॉटन से। अनुज जी, M6 कॉटन में हमने 43,000 के ऊपर के लेवल्स लगते हुए देख लिए हैं, ऐसे में अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कॉटन में तेजी बनी है तो क्या अभी और तेजी एक्सपेक्टेड है या फिर जितनी तेजी बननी थी ये बन चुकी है? लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक टॉप आउट तो हुआ है, एक्सपेक्टेड है यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है जो कि नीचे 40,000 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि फंडामेंटल साइड जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है लॉन्ग टर्म में, मगर फिलहाल करंट रेट पे हमें लगता है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए। जिन्होंने खरीदारी किया है वो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी की इन लेवल से अभी सलाह नहीं है।
भाव 40,000 के आसपास मिले तो ही खरीदारी करें फिर। जी ये जैनो जी, बिनौला खल में देख रहे हैं 3300 के ऊपर सस्टेन सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है ये जो कॉटन में तेजी आई है क्या उसका असर की वजह से बिनौला खल तेज हुआ है या फिर बिनौला खल में कुछ फंडामेंटल्स में चेंजेस आए हैं? मुझे उसी की वजह से यहाँ पर तेजी हुई है कॉटन की वजह से। हमें लगता है कि अभी कॉटन के अंदर जो तेजी है उसका असर बिनौला खल को कपास को देखने को मिल रहा है और ये तेजी हमें लगता है कि यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। एक्सपेक्टेड है कि भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और ऊपर में भाव करीबन 3500 रुपए तक के लेवल को छू सकते हैं, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में एक तेजी बनी है जो कि आगे भी थोड़ी समय के लिए कंटिन्यू हो सकती है। जी ये सनु जी, बात करें मसालों की तो मसालों में हम रेंज बाउंड देख रहे हैं, मसालों में रेंज के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ऐसे ही कंसोलिडेशन वाली ये जो माहौल है मसालों में कब तक आगे जारी रह सकता है? देखिए मसालों के अंदर जो कंसोलिडेशन दिख रहा है वो हमें लगता है कि अभी रहेगा, हालांकि डिमांड साइड थोड़ा सा उसका स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है अभी, मगर फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में एक रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है, मगर जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है, अभी तक नेगेटिव ट्रेंड कन्वर्ट नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी बनी हुई है तो हमें लगता है कि बाय एंड डिस्ट की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। पर्टिकुलर जीरे की अगर बात करें तो ऊपर एक्सपेक्टेड है कि 22,200-22,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टर्मरिक के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि करीबन 9,000 से लेकर 9,200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो वो मसालों में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जी ये सनु जी, बात करें अगर ग्वारगम ग्वार सीड की तो ग्वारगम ग्वार सीड में देख रहे हैं तेजी तो बन रही है, हल्की हल्की तेजी बन रही है धीरे धीरे, लेकिन आज हमने काफी शानदार रैली आते हुए देखी है ग्वारगम के अंदर। देख रहे हैं ग्वारगम का प्रेल वायदा 12,000 के ऊपर है, 1.5% की बढ़त है और ग्वार सीड का प्रेल वायदा 6,350 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6,400 के बेहद करीब है, 1% की बढ़त ग्वार सीड में भी बनती नजर आई है। अनु जी आपको क्या लगता है ग्वारगम ग्वार सीड की मार्केट अभी यहां से कैसे जा सकती है? जी ग्वार सीड ग्वारगम में अच्छे खासे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, इवन वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़े हैं, हमें लगता है कि जो ब्रेकआउट आया है ये काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा और जल्दी ही हम ग्वार सीड के भावों में करीबन 6,600 तक के लेवल और ग्वारगम में करीबन 13,000 तक के लेवल वेरी शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। तो अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ ट्रेड हो रहा है, हमें लगता है कि इसका असर मार्केट पे रहेगा और ग्वार सीड ग्वारगम के भावों में हम आने वाले दिनों में और आगे भी तेजी होते हुए देखेंगे। जी अनुजी देख रहे हैं कैसे में कि 7,200 के ऊपर ही सस्टेन होकर रखा है, कैसर में काफी समय से देख रहे हैं सीमित दायरा यही रेंज पकड़ रखी है कैसर सीड ने, ऐसे में आपको क्या लगता है कैसर में ये जो बढ़त बन सकती है वो कब तक बनने की उम्मीद है? देखिए कैस्टर में हम देखें तो काफी दिनों से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, हालांकि नीचे 7,100 और ऊपर में 7,400 काफी दिनों से टाइट रेंज बनी हुई है, यहाँ पर भी ट्रेंड हालांकि पॉजिटिव ही है, हमें लगता है कि बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर 7,300-7,400 तक के भाव रहेंगे और इसी रेंज में हमें लगता है कि मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा, तो जिनको ट्रेड लेना है वो खरीदारी की साइड ही ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, तो हमारी सलाह है कि खरीदारी का ट्रेड ले, ऊपर में 7,300-7,400 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है। जी ये सनु जी, बात करें अगर सोयाबीन की तो यूएस सोयाबीन देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी नरमी आई है, जो यूएस सोयाबीन $1,700 के ऊपर थी वो $1,660 पर अब ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है ये जो विदेशी बाजारों में तेल तिलन में गिरावट बनी है उसके कारण क्या है और अब आगे तेल तिलन का बाजार भारत में कैसा रह सकता है? देखिए तो जो ये पी स्टॉक स्टार्ट हुई है उससे एक नेगेटिव असर आया है, क्रूड के भाव नीचे आए हैं, उससे भी हमने एडिबल ऑयल में नकदी देखी है और भारत के अंदर अराइवल भी काफी अच्छी रही है सरसों की, तो उससे भी काफी इंपैक्ट आया है, तो फिलहाल हमें लगता है कि अभी एडिबल ऑयल में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है और पिछले दिनों में हमने कुछ नरम भाव होते हुए देखे हैं, हमें लगता है कि बेस मेटल में और एग्री इंटरनेशनल कमोडिटी में और एडिबल ऑयल्स में जो कि सभी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं सबके अंदर हम थोड़ी सी नरमी के साथ ट्रेड होते हुए देखेंगे क्योंकि डिमांड जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होती हुई दिख रही है, तो चाहे वो एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो, अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है तो उसका असर जो है डिमांड की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी ये सनु जी, मेंथॉल की बात करें तो मेंथॉल में आपको क्या लगता है क्या मेंथॉल में अभी आगे कुछ तेजी बन सकती है, क्योंकि इस बार खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो बुआई है मेंथा की वो काफी कम देखने को मिल सकती है? देखिए डेफिनेटली ज्यादा बारिश होने की वजह से मेंथा का जो रकबा है वो कुछ कम होता हुआ दिखाई दिया है और बेमौसम बारिश की वजह से भी जो सोइंग एक्टिविटी है वो कम रही है, हमें लगता है कि मेंथा में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला और एक्सपेक्टेड है मेंथा के भावों में जल्दी ही यहाँ पर और बढ़त बढ़ते हुए देखेंगे और एक्सपेक्टेड है कि 1200 तक के लेवल आपको मेंथा ऑयल में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर काफी अच्छे ब्रेकआउट है
और हमने लास्ट शो में भी कहा था कि इसमें तेजी का ट्रेंड रहेगा, तो वैसा ही ट्रेंड हमें लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो 1200 के टारगेट को नजर में रखकर खरीदारी का ट्रेंड मेहनता में बना सकते हैं जी। अनुज जी, टॉपिक्स के देने चाहेंगे आप एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है आगे भी? देखिए, एक तो ग्वार ही रहेगा जिसमें हम 6600 का टारगेट को लेके चल रहे हैं। 6500 इनिशियल टारगेट रहेगा, 6600 दूसरा टारगेट रहेगा जिसको हम रख सकते हैं। दूसरा हमें लगता है कि मेंथा के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, 1150 और 1200 हमारा टारगेट रहेगा मेंथा ऑयल में। तीसरा कमोडिटी हमें लगता है कि कॉटन सिर ऑयल की एक में खरीदारी कर सकते हैं, 3300 रुपए तक के लेवल इनिशियली कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार में कितनी हलचल के साथ कारोबार देखने को मिल रहे हैं, आगे बाजार की क्या चाल रह सकती है। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।